कीमा करे जी, तब इसका आनंद लिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके चैनल, हमारे चैनल देवगरियन फैमिली में। फिर शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अरे हमारे शुभम और जुनू गई हुई है बाहर और हमको ड्यूटी मिला है सब्जी बनाने का। तो बहुत दिन बाद कुकिंग का मौका मिला है। हम एक बढ़िया सा रेसिपी बनाएंगे कि खुश हो जाए बस। इस चीज़ का सब्जी बनाने का देखते हैं। और ये देखिए आया है कटहल, तो कटहल को हम बॉईल कर लिए हैं। इधर है प्याज और लहसुन, इसको बढ़िया से काट लिए हैं और लहसुन भी। और ये है दही और धनिया, इसको पूरा फेंट दिए हैं। एक नंबर जो है इसका टेस्ट आने वाला है। और इधर आलू हम फ्राई कर रहे हैं, तो इसको हल्का लाल होने तक फ्राई कर लेना है। तो ना ये चीज़ मेन है, ये कीजिएगा तो टेस्ट लाजवाब आएगा। ये बनता है जो मटन को भी फेल कर देगा। है कटहल भी गया फ्राई होने के लिए, आलू एकदम फ्राई हो गया फर्स्ट क्लास, लाल लाल एकदम दिख रहा है। तो ये बढ़िया से इसको फ्राई कर लेते हैं। धीमा आँच में एक नंबर एकदम फ्राई हो गया है, एकदम लाल लाल। और अब जाएगा सीधे इसमें हींग, जाएगा ये प्याज और लहसुन एक साथ दे देते हैं एक नंबर। और इसको जो है पूरा बढ़िया से एकदम गला देना है एक। अब इसमें देंगे जीरा अखाड़ा, पहले देते तो जल जाता है इसीलिए करके अब देंगे जीरा। ये जो टेस्ट लाएगा ना लाजवाब। दो चम्मच जीरा दे, धीरे धीरे इसका जो रस निकलेगा पकेगा धीरे धीरे, एकदम कम आँच में है पकेगा एकदम, जिसका रस जो आएगा ना वही मज़ा लाएगा। तो जाएगा नमक, स्वादानुसार नमक दे देना है। एक बार मैंने देना है, दो बार दे दिया है। धीरे धीरे ही गला देगा एकदम बढ़िया पेस्ट जैसा। यह जो है प्याज को दिए हैं ढक करके, अब आराम से स्लो कुकिंग होने दीजिए ना, तो चाहिए लाजवाब। अब देखते हैं कि कैसा बनेगा, तो खाने के समय पता लगेगा। और जो है जुनू और शुभम लोग बताएगा कि कैसा बना है। प्रयास तो कर रहे हैं, ऐसे भी खाना अच्छा बनाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है बनाने का, ज़्यादा बनाने देती नहीं है ना। इधर मत छुइए उधर मत छुइए, जूठा हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा, यही टेंशन रहता है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा पक गया है, तो अब डाल देंगे इसमें हरा मिर्च। थोड़ा इसको काट देते हैं, उसके बाद इसमें हरा मिर्च चला जाएगा। इसके गया इसके अंदर थोड़ा चला देना, थोड़ा इसी से कर जाए सब मैश हो जाएगा। क्या है कि धनिया जरूर डालिए, धनिया जो है ना मटन वाला जो टेस्ट है ना वो धनिया में आता है, वो देना जरूरी है। और इसको दही में घोल देने से क्या होता है कि धनिया थोड़ा हार्ड होता है, उसको पकने में टाइम लगता है, तो इसमें जल्दी पक जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा दही में जो फूल जाएगा। तो इसको लगभग आपको 20 मिनट फुला देना है। जब बनाना शुरू कीजिएगा उसको घोल घर के रख दीजिए। जो हल्का एकदम रेडिश हो गया है, अब क्या करना है, अब ये जो धनिया है पेस्ट बना है इसको डाल देना है कि धीरे धीरे ये पके। अब आप देखिए भाई क्या कलर है एकदम दही का, इसका जो पानी है ना दही का जो छोड़ेगा इसके साथ। और भी प्याज जो है जो 30% बचा है तो वो सब इसमें पक जाएगा। जो है धनिया के साथ अब जाएगा ये हल्दी, हल्दी जो है दे देना है चारों तरफ बढ़िया छीट के। धीमे आँच में पकता रहेगा, दही को भी है धीमे आँच में दे देना है ताकि फटे नहीं। फिर देंगे हम टमाटर, टमाटर छोटा छोटा है इसमें कुदा देता है। 80% लगभग पक गया है, अब टमाटर के साथ भी जो है पक जाएगा गल के एकदम। तो दही दिए इसीलिए थोड़ा दिए हैं टमाटर, क्योंकि दही भी थोड़ा अपना खट्टापन लेके आएगा और ये भी ले करके आएगा। तो है बढ़िया से देखिए एकदम पक गया है, तेल छोड़ दिया है यानी कि धनिया फर्स्ट क्लास सीज गया है। अब इसमें जाएगा जीरा, धनिया जो है इसको डोलाते रहिए एकदम। अरे देखिए तेल साइड से छोड़ दिया है डुबुक डुबुक डुबुक, मतलब कि बढ़िया से मसाला गुंजा गया है। अब आज के हमारे स्टार कटहर
इसमें जाएगा, इसके साथ थोड़ा भूनेंगे मसाला जो भी है ना, इसके साथ और भून जा जाएगा। तो इसको पहले भूनेंगे इसके साथ एकदम, कीमा कलेजी भूनते रहेगा धीरे धीरे, मसाला जो कसर है वो ख़त्म हो जाएगा इसमें बढ़िया से भूंजा करके। अरे हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, एंड जो आ रहा है ना फर्स्ट क्लास। आलू महाराज को कुदा दिए हैं, अब इनके साथ ये भी भुनेगा। देखिए लग रहा ना मटन भुंजा गया है, लाजवाब। देखिए मसाला सब मिल गया है, और अब डालेंगे इसमें पानी, इसको बढ़िया से जो है खोल जाए और एकदम नरम हो जाएगा, इसके साथ थोड़ा डपक जाए बढ़िया से एकदम। पूरा खोल वोल गया, हल्का हल्का तेल भी ऊपर आने लगा है। अब इसमें दे देते हैं गरम मसाला, ये पूरा एकदम इन्हेंस कर देगा इसके खुशबू को। ये चला गया, अब जो है इसको हल्का चला देना है। क्या जो खुशबू आ रहा है ना मटन मटन वाला। आ गया खाना खाने का बारी, यानी कि टेस्टिंग भी हो जाएगा कैसा लगा। शुभम तो खा चुका है, शुभम एक नंबर लगा मटन जैसा है, कीमा कलेजी। तो अब हम अपना खुद से देखते हैं कि आखिर कैसा लगता है, आइए दिखाते हैं। तो भाई साहब दाल चावल और ये कीमा कलेजी, तो इसका आनंद लिया जाए। तो ऐसा तब बैठाया जाए। मजा आ गया, वो दही का जो टेस्ट आ रहा ना हल्का खट्टा वाला, अल्टीमेट बयान नहीं कर सकते, एकदम सही में कलेजी लग रहा है, लाजवाब।